क्या लगता है तुम्हारे बाहर क्या चक्कर चल रहे हैं मुझे पता नहीं है। यार तू फिर से शुरू हो गई। एक तो ऑफिस में काम का इतना टेंशन है, घर पे आने के बाद तेरी ये बकवास शुरू। तू तेरा शक करना बंद कर दे नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। ले लो जान ले लो मेरी। वैसे भी यहाँ पे कौन सी खुश हूँ मैं। तुम एक काम करो मुझे जान से मार डालो और बाहर जाके हजारों अफेयर करो। हाँ मेरा बाहर चक्कर चल रहा है, बोल क्या करेगी तू। तुम मारो मुझे, जान से मार डालो। बिल्कुल चुप, चुप, बिल्कुल चुप है तो आज जान लूंगा तेरी, चुप। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान का मन सपने देखने के लिए आजाद है, पर कई बार वो ऐसे सपने देखता है जिसमें वो हर तरह की बंदिश को भूल जाता है और उन्हें पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। अपने सपनों और इच्छाओं की ऊंची उड़ान में वो कौन सी और कैसी कैसी हदें लांग जाता है उसे इस बात का होश ही नहीं रहता, और एक बार वो अपनी हदों से बाहर निकलता है तो उसका भविष्य एक जुए की तरह से हो जाता है जो कई बार खतरे में पड़ जाता है। आज का ये एपिसोड ऐसी ही कुछ लड़कियों के सपने और इच्छाओं और उन्हें पाने की जद्दोजहद में आई परेशानियों की कहानी कहता है। से ही हमारे पास कम पैसे हैं और ऊपर से आप इतना महंगा सामान खरीद रही हो। चारू, पैसों की तो अब तू टेंशन ले ही मत, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे आने वाले ना उसको तू गिन भी नहीं पाएगी। मैं खोलती हूँ। अनीता है क्या? ताई, अनीता, अनीता, भाड़ा देने का तारीख आके भी 10 दिन हो गया, कब देगी तू भाड़ा? वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको 2 महीने का एक साथ दे दूंगी। 1 महीने का भाड़ा तुझसे दिया नहीं जा रहा है, 2 महीने का साथ में कैसे देगी? मेरी एक फिल्म की बात चल रही है मेन लीड के लिए, और बजट भी अच्छा है। जैसे ही साइनिंग अमाउंट मिलेगा मैं आपको 2 महीने का भाड़ा एक साथ दे दूंगी। जब तेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे थे ना तब से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मेरे को उल्लू बना रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में फिल्म मिल रही है, बस रेडी होके उसी की लास्ट मीटिंग के लिए जा रही थी। देख, तेरे को जिधर जाने का है ना तू चली जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा भाड़ा टाइम पे दे, अगर नहीं दिया ना तो ये घर किसी और को रेंट से दे दूंगी, समझ लेना तुम। तू घबरा मत, मेरी सच में फिल्म की मीटिंग है और तू देखना आज मुझे रोल मिल ही जाएगा। हाँ सुने, ये 2 लाइन आपकी है। हाँ आप इनको स्क्रिप्ट दे देना, ठीक है, और पर्स साथ में रखना। हाँ वहाँ पे जाके पड़ी है। ओके सेटिंग दादा, सेटिंग दादा। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये सब चाहिए अपने को, हाँ किसी भी हालत में, और ऑन टाइम चाहिए। नितिन चाहिए। तू जा मुझे। हाय हाय, आ गए आप? हाँ चलो सर से मिलवाता हूँ। हाँ अच्छा, डायरेक्टर सर अंदर है। हाँ आप 2 मिनट रुको, मैं पूछ के आता हूँ। आज सर बोला रहे। सर, सर ये अनीता है सर, इसी के बारे में मैंने आपसे कहा था सर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है सर, मैंने इसका ऑडिशन भी लिया है, और सर अपने नेक्स्ट फिल्म में लीड कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट है। घूम जाओ। ठीक है,
नेक्स्ट फिल्म के लिए हम प्रोड्यूसर की बेटी को लॉन्च कर रहे हैं। हीरोइन तो नहीं लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, तो हीरोइन की फ्रेंड का रोल दे सकता हूँ। फ्रेंड का रोल क्यों? इन्होंने तो मुझे मेन लीड के लिए बोला था। फिल्म इसकी नहीं मेरी है, तो मैं जो बोलूंगा वही रोल मिलेगा। मैं साइड आर्टिस्ट नहीं हीरोइन बनने आई हूँ। नागपुर का ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है मैंने। अरे तो वहीं जाके रहो ना, यहाँ क्यों आई हो? जिसे देखो हीरोइन बनना है, हीरोइन बनना है ना, तो अपने बाप को बोलो पैसे लगाए फिल्म बनाए। अरे अपनी ही फिल्म में हीरोइन बन सकती हो तुम। बाकी मेरा ऑफर तो तुम्हें पता है, करना है तो सोच के बताओ, वरना बहुत लड़कियां हैं यहाँ। ताई रो मत, इस बार काम नहीं बना तो क्या हुआ, अगली बार काम पक्का बन जाएगा। हेलो, तुम तो मुझे याद ही नहीं करते, सिर्फ मैं ही तुम्हें याद करता रहता हूँ, तुमने कॉल तक नहीं किया। वो टाइम नहीं मिला। अच्छा ठीक है कोई बात, वैसे क्या कर रहे हो तुम अभी? कुछ नहीं, बस थोड़ी परेशान हूँ, कुछ पैसे चाहिए थे, तुम दे सकते हो? पैसे क्या, अगर तुम जान भी मांगोगे तो वो भी दे देंगे हम, मांग के देखो। कब मिल सकते हो? अभी आ जाओ, वहीं जहाँ मिलते हैं। ठीक है आती हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। लव यू, बाय। अभी मुझे जाना होगा, पैसों का इंतजाम करना है ना अभी। हाँ अब मुंबई में रहना है तो पैसे तो लगेंगे ना, और तू टेंशन मत लेना, आराम कर ले, मैं आते हुए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। एक मिनट, ये लो। मुझे तुमसे पैसे लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट क्या करूं, मजबूरी है। रख लो। और वैसे सिर्फ ये पैसे क्या, मेरा तो सब कुछ सिर्फ तुम्हारा ही है। हुँ? बट इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा, थोड़े और पैसे मिल सकते हैं। अभी तो नहीं हो पाएगा, मेरे पास तो सिर्फ इतने ही है। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, कमाता भी नहीं हूँ कि ज्यादा पैसे अरेंज कर पाऊँ। तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े ज्यादा पैसे अरेंज कर पाऊँ, ठीक है? ले लीजिए। धार वाला चाकू है ना? पानी वाला नारियल चाहिए? चाकू चाहिए। ए, पागल हो गई क्या? चल भाग यहाँ से। आई बड़ी चाकू वाली, चल भाग। एक बार फिर से सोच लो ना, सच में कंप्लेंट करनी है? हाँ देखो देर ही सही, लेकिन कंप्लेंट करनी जरूरी है, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। चलो बताइए। सर 7 दिन पहले हम दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर बहस हो रही थी। वो लड़की अचानक से आई, मुझ पे चाकू से वार किया और भाग गई। मैं तो तभी कंप्लेंट करने वाला था सर, लेकिन इसके कहने पे चुप रहा, पर मुझे अभी कंप्लेंट करनी है सर, क्योंकि वो लड़की पागल है और किसी की भी जान ले सकती है सर। उस लड़की की डिटेल्स दीजिए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन सर हमें वो लड़की सड़क पे मिली थी, हमारे पास उसके कोई भी डिटेल्स नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि बिना किसी जानकारी के किसी भी अनजान को अपने घर में नहीं रखें, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो लड़की अगर 18 से कम उम्र की हुई तो आप पे चाइल्ड लेबर का केस लग सकता है। आप समझते हैं चाइल्ड लेबर गुनाह होता है? सर हमने उसे काम के लिए नहीं रखा था,
वो सिर्फ अपनी मर्जी से काम करती थी या फिर अपने काम करती थी? उसका उल्लेख बता सकते हैं? हाँ। शिंदे, स्केच बनवा। आइए। ये सामान और कितने दिन चलेगा ताई? फिर तो हमें बनिए की दुकान पर जाना ही पड़ेगा ना, और उसका उधार इतना बढ़ गया है कि वो हमें देखने से ही पहले मना कर देता है, और इतनी गंदी नजरों से घूरता है ना कि तू डर मत चारू, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक बार काम मिल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसको बोली मेरे को दे दे, मैं देखती हूँ भाड़ा पे, सुना ही नहीं मेरी बात, माना ही नहीं। आज आई का ना अनुराधा ताई मिली क्या नहीं? सुबह से दिखी नहीं ना, कहा देखा क्या उनको? हम लोग तो बाहर थे, अभी मार्केट जा रहे हैं। अच्छा, सुनो ना सुनो ना, तूने भाड़ा दिया क्या रूम का? इससे आपको क्या लेना देना, आप अपने काम से काम रखिए। चारू, हमें यहाँ से भागना होगा। पर क्यों? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। चारू जरा सोच के देख, यहाँ पे पुलिस आएगी, हजार तरीके के क्वेश्चन होंगे, हम लोग कहाँ से आए, क्यों आए, सब लोगों को पता चल जाएगा। तू जा और जाके पैकिंग कर, तू जा यहाँ से। मुझे मेरी गुड़िया दो। नहीं दूंगा, बोल क्या करेगी? मैं मेरी आई को बोल दूंगी। आई को बोलेगी? ये ले जा, बोल दे मुझे मेरी गुड़िया दो, नहीं तो। नहीं तो क्या, ये देख उसके गर्दन भी तोड़ दिया। अले अले अले, ये तो रोने लगी। ए, उसकी गुड़िया दे, चल वो भी जोड़ के। अच्छा, अगर नहीं दिया तो क्या करेगी, बोल। मार दूंगी। अच्छा, तू मारेगी हमें? ए, पकड़ना उसको, देख क्या। रुक रुक, भाई जोड़ो, क्या हुआ? साहब, एक लड़की ने मुझे चाकू मार दिया। लड़की? कौन लड़की? मालूम नहीं साहब, ये कोई पागल जैसी लड़की थी। लेकिन उसने चाकू क्यों मारा? जरूर तुम दोनों ने कुछ किया होगा। कुछ नहीं किया साहब, बस यहीं पे बैठे हुए थे, वो अचानक से आई और चाकू मार के भाग गई। उम्र क्या थी लड़की की? सब छोटी सी थी, कोई 13-14 साल की। 13-14 साल की? पहले काम कर दे, टाके लगा दे, हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा बयान लेते हैं। चलो। साहेब, दूसरा माळ्यावर अनुराधा ताईंची लाश पडी आहे। बरं, हां, चला बाजूला वा, बाजूला वा। हे साहेब, इधर इधर। ये दरवाजा ऐसे खुला है तो? हां, मैं आके गई तो ये खुला ही था। इधर तुम इकडे समा। शिंदे सर, स्टैबिंग करके मारा गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ, पूर्ण घर बगा बगा मर्डर वेपन मिलता है। ओके सर। ये इनका घर है? हाँ, इनका घर है, लेकिन अनुराधा ताई ने दो लड़कियों को भाड़े पे रखा था, एक अनीता और चारू नाम की लड़की थी। तो लड़कियाँ कहाँ? मालूम नहीं साहब, अभी मैं नीचे थी ना तो आधा घंटा पहला मैंने दोनों को ऊपर आते हुए देखा था साहब, और अभी देखो ना गायब है। मेरे को तो लगता है अनुराधा ताई को ना इन दोनों ने मार डाला है साहब। ऐसा क्यों लगता है तुमको? कुछ रंग ढंग कुछ समझ में नहीं आता है दोनों का, भाड़ा नहीं देती थी टाइम पे ताई को, ताई को कितनी बार बोली मैं दोनों को निकाल दो, भाड़ा नहीं देती है। देख, मैं ना इन लड़कियों की हालत समझती हूँ। मैं जब आई थी हीरोइन बनने के लिए इधर,
अकेली थी, फिल्मों में काम करती हूँ, कोई घर नहीं दे रहा था मुझे, कभी कभी भाड़ा भी लेट हो जाता था। मेरे को समझने वाला तब कोई नहीं था, पर अब मेरे को समझना चाहिए ना, है कि नहीं? बहुत उम्मीद और सपनों के साथ आई है ये लड़कियाँ यहाँ पे। ताई आपकी बात अलग है, उन दोनों की बात अलग है। देख ये लड़कियाँ वैसी नहीं है, अच्छी है लड़कियाँ और अच्छे घर से है। आपको क्या पता, आपको क्या मालूम? आपने देखा है कहाँ जाती है, क्या करती है, शूटिंग पे जाती है नहीं जाती है? ये जो लड़कियाँ है ना, अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ सब आपके ऊपर आने वाला है। कुछ नहीं मिला। अंदर लड़कियों के कपड़े सामान वगैरह कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब भाग गए? हाँ। लड़कियों का फोटो वगैरह कुछ है आपके पास? नहीं साहब, वो पूरी सोसाइटी में किसी से भी बात नहीं करती थी दोनों भी। छोटी जो थी वो तो चुप चुप रहती थी, और बड़ी को तो हीरोइन बनना था तो वो फिल्मों में ट्राई करती थी, उसमें वो बिजी रहती थी साहब। शिंदे सारी सोसाइटी में पूछताछ करो, देखो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके सर। साहब आजू बाजू वाले को मत पूछो, मैं जो बोली ना साहब वही वो लोग भी बोलेंगे। क्यों, तुमने सबको सिखा के रखा है क्या बोलना? कुणाल साहब, ये अनुराधा ताई का बेटा है कुणाल। पटेल जाओ, बॉडी को हाथ नहीं लगाना। साहब कुणाल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, और अनुराधा ताई और ये उसका बेटा, वो दोनों साथ में रहते थे घर पे। 4 साल हो गए अनुराधा ताई के पति गुजर गए, देखो ना बेचारा अब अनाथ हो गया साहब। सर देखो ना, तेरा दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। कुछ सवाल पूछने तुझसे अनीता और चारू के बारे में। सर मैं क्या बताऊंगा सर, मैंने उन्हें अच्छे से देखा भी नहीं है। वो रेंटल एग्रीमेंट बनाया होगा ना फ्लैट रेंट पे दिया, तो उसमें उनका प्रीवियस एड्रेस होगा, पुलिस एनओसी वगैरह होगी। नहीं सर मुझे कुछ नहीं पता, वो आई कभी कभी ज्यादा पैसों के लिए बिना डॉक्यूमेंट के फ्लैट रेंट पे चढ़ा देती थी। मैं तो पढ़ाई में बिजी रहता था सर। ये लो। मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में। ठीक है जा। इतना बड़ा जवान लड़का, माँ ने पीजी रखा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता? पाटिल नजर रखो इस पे। हो सही। साहब मुझे तो लूट लिया उन लड़कियों ने। उन लड़कियों को पहले से जानते थे? नहीं साहब। जब नहीं जानते थे तो इतनी सारी उधारी कैसे दे दी? इतने प्यार से बोलती थी कि मना ही नहीं कर पाता था मैं। सर आसपास पूछताछ की, लेकिन उन लड़कियों के बैकग्राउंड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सर मुझे आपको कुछ दिखाना है, ये देखिए फोटो। सर ये जो पीछे दो लड़कियां हैं ना, यही अनुराधा के घर पे रहती थी। ये दोनों तो अच्छी थी सर, लेकिन वो जो तीसरी थी ना, उसी ने अनुराधा को मारा होगा। एकदम पागल थी सर वो। यहाँ पे तो दो ही लड़कियां रहती थी ना, ये तीसरी कहाँ से आई? क्या हो रहा है इधर, पुलिस क्यों आई है? किसी ने अनुराधा काकी को चाकू से मार दिया, इसलिए पुलिस आई है कि किसने मारा? सब उसका नाम सुनीता है, अभी 7 दिन पहले ही अनीता और चारू उसे यहाँ पर लेकर आई थी। उन लोगों को भी वो यहीं कहीं रास्ते पर मिल गई थी। अनीता और चारू उसे यहाँ पर छुपा के रखते थे। बिल्कुल भी आवाज मत करो, चुपचाप चलो। कौन है ये? मैं कौन हूँ, उसे देखो क्या, तू अपना काम करना। हे चुप रह, बहुत बदतमीज हो तुम, और ये अब तुम्हारे साथ यहाँ रहने वाली है।
अनुराधा ताई को बोला है ना तुमने इसके बारे में? नहीं काकी, और आप भी मत बताना, यहाँ बस थोड़े दिन के लिए रहेगी। हाँ काकी प्लीज किसी को भी मत बताना प्लीज। उन दोनों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब तो बताना ही था ना। ये सुनीता की कोई फोटो है आपके पास? हाँ है ना, ये देखिए सर। आखिर कौन थी ये तीसरी लड़की जो इस तरह से लोगों पर हमला कर रही थी, जिसकी पहचान सुनीता के रूप में हुई थी, और अब एक कत्ल के मामले में लोगों को उस पर शक था। क्या रिश्ता था सुनीता, चारू और अनीता के बीच? देखने से ऐसा लग रहा था कि सुनीता शायद एक मानसिक रोगी है, पर क्या वो वाकई में एक मानसिक रोगी थी या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रही थी? और अनीता और चारू के अतीत में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो छुपती डरती भटक रही थी? बस चारू, अब और नहीं भाग सकते, अब इस मुसीबत से बचना है तो घर वापस जाना ही पड़ेगा। ताई, अब हम घर वापस नहीं जा सकते। क्यों? वो मैंने आई को फोन किया था। मैंने मना किया था ना चारू, फिर तूने आई को फोन क्यों किया? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने बहुत सोचा तो मैंने दो दिन बाद आई को फोन कर दिया। क्या बोली आई? आई, हम घर वापस आना चाहते हैं, यहाँ मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम दोनों वापस आ जाओ, और तुम अपने बाबा को जानती हो ना? बहुत गुस्से में है वो, उन्हें तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अगर तुम दोनों वापस आ गए ना तो, तुम जानती हो ना अपने बाबा को। आई सही कह रही थी, अब हम घर वापस नहीं जा सकते चारू, अब जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं ये मुंबई अब हमें और क्या क्या दिखाती है। सर मुझे लगता है कि ये मर्डर तीनों में से किसी ने किया है। अनीता और चारू बाहर से आई, सुनीता घर पर थी, हो सकता है कि ये खून उसी ने किया हो, और अनीता और चारू जब घर में दाखिल हुए तो उन्होंने लाश को देखा और डर गए और इस डर के मारे फरार हो गए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता और चारू के आने के बाद अनुराधा उनसे पैसे मांगने आई हो, उन तीनों में बहस हुई हो और फिर अनुराधा का मर्डर हो गया हो। तो शिंदे, एक महीने के रेंट के लिए कोई किसी का मर्डर कर देगा ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, और एक एंगल पे अभी तक हम सोच नहीं रहे वो ये कि ये मर्डर किसी और ने किया हो और ये तीनों लड़कियां लाश देख के डर के मारे भाग गई। सच्चाई का पता तो तभी चलेगा जब ये तीनों लड़कियां हमारे हाथ लगी। हमें एक रूम चाहिए था। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। ठीक है, अब दोनों का आईडी कार्ड लगेगा। आईडीज तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये पूरा एडवांस रख लीजिए। वो क्या है ना कि पिछले एक हफ्ते से हमारे बाबा मिसिंग है, हम लोग उन्हें ही ढूंढने आए हैं, और घबराहट में और उन्हें ढूंढने की जल्दी में हम लोग आईडीज लाना भूल गए। सॉरी मैडम, विदाउट आईडी तो मैं आपको रूम नहीं दे सकता। आप हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए ना, अगर आप चाहें तो। सर, दहसर पुलिस स्टेशन से इस लड़की के बारे में खबर मिली है। इस लड़की ने 2 आदमी के ऊपर हमला किया है। मैंने उनको हुलिया पूछा तो उन्होंने स्केच भेजा है जो इस लड़की से मैच होता है। और सर, इस लड़की को जब गुस्सा आता है तो जाने अनजाने किसी भी आदमी पर ये अटैक करती है। सर ये तो सुनीता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अनुराधा का मर्डर इसी ने किया। शिंदे, सुनीता की हिस्ट्री देखे तो उसके सारे विक्टिम मर्द रहे हैं, हो सकता है वो मर्दों से नफरत करती है, जबकि अनुराधा तो एक औरत है, वो अनुराधा पे हमला क्यों करेगी?
हेलो कैसी हो बेटा? और चारू कैसी है? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है आई, हम लोग बहुत मुसीबत में आई, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत? कितने चाहिए और कहाँ भेजने बता दो, मैं कुरियर से भेज देती हूँ। बताती हूँ। सर, सुनीता के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, ये सुनीता नागपुर की रहने वाली है और पिछले कई महीनों से वहाँ से फरार है। सर, इसके सौतेले बाप का मर्डर हुआ था, जिसका सारा इल्ज़ाम इसकी माँ नम्रता ने अपने ऊपर लिया है। सर, गवाहों के हिसाब से नागपुर पुलिस को शक है कि ये सारा काम सुनीता ने किया और वहाँ से भाग गई है, और नम्रता उसे बचाने के चक्कर में इसलिए पुलिस ने नम्रता को छोड़ दिया। शिंदे, ये भी तो हो सकता है कि ये तीनों नागपुर के हों और एक दूसरे से अचानक ना मिली हो, बल्कि पहले से एक दूसरे को जानती हो। नागपुर पुलिस से बात करो, अनीता और चारू के बारे में कोई मिसिंग कंप्लेंट वहाँ दर्ज है क्या? सर, मैंने ऑलरेडी पता किया, ऐसी कोई भी कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज नहीं है, वो लोग केवल सुनीता को तलाश कर रहे हैं। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता और चारू किसी दूसरे शहर की हों। शिंदे, इतना तो तय है कि ये सुनीता रिपीट ऑफेंडर है, चाकू से दो हमले और एक मर्डर, और ये तो वो जो हम जानते हैं। पता नहीं और कितने कांड किए होंगे, इससे पहले कि वो कोई नया कांड करे हम उसे ढूंढना होगा। अब किसे फोन कर रहे हो? हेलो कुणाल, मैं अनीता बोल रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट। हेलो कुणाल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, हमने कुछ नहीं किया कुणाल, ट्रस्ट मी, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों ने मेरी आई को नहीं मारा, घबराओ मत, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है खुदा। तुम डरो मत, मैं हूँ ना। कहाँ हो तुम अभी? निशा लॉज, मोतीलाल नगर। निशा लॉज? अच्छा, एक काम करो, तुम मयूर को, मैं आता हूँ वहाँ पे, ठीक है? जल्दी आना। ओके बाय। पैसे भी खत्म हो रहे हैं, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो। कौन है? कौन है? मैं हूं, दरवाजा खोलो। हफ्या, मुझे माफ कर दो, सारी मेरी गलती है, सब कुछ मैंने किया, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। क्या हुआ? चलो उधर बैठो, पानी दे। ये आपके हाथ को क्या हुआ? हाँ भव्या, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो यहाँ से। पैसे के लिए, पैसे के लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ, और जब तक मुझे मेरा पूरा पैसा नहीं मिल जाता, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे घर वालों को भेजता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, मुझे जाने दो, नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं। उसने मेरी चारों उंगलियां काट के घर पे भेज दी,
मगर फिर भी आई बाबा ने पैसे नहीं भेजे। एक दिन मुझे मौका मिला और मैं वहां से भाग निकली। रोगी, रोगी काका, काका मेरी जान को खतरा है, आप प्लीज मुझे लेके चलिए प्लीज। काका ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना हम छोड़ देंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि मैं कुएं से निकलकर खाई में गिर जाऊंगी। काका, काका यहाँ पे क्यों रोक दी? मालूम पड़ेगा तुझे। अबे चुप! भाई लो पानी पियो, जो होना था वो हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भव्या, तुम्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर हैं? मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया था, तो वंदना काकी ने बताया कि तुम दोनों यहाँ पे हो। तुमने कुछ खाया? ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं, आराम करो। भव्या के हाथ से अभी तक खून निकल रहा है, मुझे लगता है हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल ले जाने के पैसे हैं हमारे पास, लेकर भी गए तो क्या कहेंगे, उसका हाथ कैसे कटा? पर ऐसे तो वो मर जाएगी, जो सेप्टिक हो सकता है। मैंने कुणाल को कॉल किया, उसे आने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। सर, जिस कॉन्स्टेबल को हमने कुणाल पर नजर रखने के लिए लगाया था, उसने कॉल करके बताया कि कुणाल को कुछ समय पहले किसी का कॉल आया था, और सर उस कॉल करने वाले ने कुणाल को निशा लॉज में बुलाया। एक दिन भी नहीं हुआ इसकी माँ को मरे हुए, निशा लॉज क्या करने जा रहा? सर कहीं इस कुणाल का उन लड़कियों से कोई कनेक्शन तो नहीं? सर क्या हो गया? सर इसे पहचानते हो? तुम्हारे लॉज में रुकी? हाँ सर, मगर ये दोनों लड़कियां तो अभी अभी बाहर गई। एक और एक लड़की है जो रूम में ठहरी हुई है। एक मिनट मैडम, किसको मिलना है आपको? वो 106 में मेरी दोस्त है। सर इसका मतलब वो सुनीता हो सकती है। क्या रूम नंबर क्या है इसका? सब 106। सर कुणाल दरा त्याला। ओके सर, रोक तेरे मत आई चल छोड़, तिकडे जरूर ठेवा त्याला। ये तो सुनीता नहीं है। हाँ कमरा देखो सारा, बाथरूम मत भगा, कोई छुप के बैठा है क्या? सर अंदर कोई नहीं। अनीता और चारू कहाँ? वो दोनों तो बाहर गए, पर आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? सब पता चल जाएगा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इसे हॉस्पिटल ले जाओ और उसकी ट्रीटमेंट करो। यस सर। घेऊन जायला पोलीस स्टेशनला। चारू छुप छुप।
सर 2 घंटे से ज्यादा हो गए बट अभी तक वो दोनों लड़कियां आई नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भनक लग गई हो? क्वाइट पॉसिबल शिंदे। एक काम करो शिंदे, अपना एक आदमी यहाँ सर्विलेंस पे लगा दो, शायद सामान ले रहे हो वापस आए। ओके सर। एक्सक्यूज। हेलो, ठीक है हम पहुँच रहे हैं। ओके सर, जो तीसरी लड़की यहाँ मिली थी उसे हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया। चलो। ताई, घर जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। गुस्से में बाबा मारेंगे जरूर, पर घर जाने में ही भलाई है। चारू, आई लॉज के एड्रेस पे पैसे भेजने वाली थी, अब वो पैसे भी हमें नहीं मिलेंगे और बिना पैसे हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? पैसे क्यों निकल रहे? वो घर का कुछ सामान लाना था। जो चाहिए मुझे बोलना, मैं लाके देता हूँ। तुम्हें पैसे निकलने की कोई जरूरत नहीं। लो, जाके अपना काम करो। नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ से आई हो? उन दोनों लड़कियों के अलावा सुनीता को भी जानती हो ना? सुनीता के बाप के मर्डर के बारे में क्या जानती हो? चारू नागपुर से हो, यहाँ कैसे पहुंचे? घर से भाग के आई? एक ही फैमिली से हो या फिर अलग अलग? फैमिली में कौन कौन है तुम्हारा, बोलो, जवाब दो। उन दोनों को जानती हो ना? और ये उंगलियां कैसे कटी, या किसी ने काटी है? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती जा रही थी ये केस और पेचीदा होता जा रहा था। पिछले सवालों के जवाब अभी मिले भी नहीं थे और नए सवाल आ खड़े हुए थे। पुलिस को अब तक इन 3 लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था और अब एक नए मोड़ की तरह भव्या भी इस केस का हिस्सा बन गई थी। अनीता, चारू, सुनीता और अब भव्या, आखिर किस रूप में इन लड़कियों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी थी? इसके अलावा एक और सवाल था अनुराधा के कत्ल का, कि आखिर कातिल कौन था और किस पर शक किया जाए, अनीता, चारू या सुनीता, या फिर कातिल इन तीनों के अलावा कोई और ही था जो अब तक पुलिस की रडार पर नहीं आया था। क्यों रे, तूने तो कहा था कि उन लड़कियों को नहीं जानता, लॉज में क्या कर रहा था? सब गलती हो गई मुझसे, मैंने झूठ बोला आपको, मेरा अनीता के साथ अफेयर चल रहा है, उसे फिल्म में हीरोइन बनना है, इसलिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो, उसके पास काम नहीं है इसलिए पैसे की बहुत तंगी है उसके पास, मैं उसे सिर्फ पैसों की मदद करता था सर, आई को ये बात पता चल गई, आई बहुत भड़की सर। और तेरे इस अफेयर के चक्कर में उन्होंने अपनी माँ को मार डाला? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा सर, एक बेटा अपनी आई को कैसे मारेगा? अपनी जिंदगी में हमने ऐसे 1000 केसेस देखे हैं, ये सब मत सिखा, जब तक लड़कियों का पता नहीं चल जाता इसे कस्टडी में रख। सर मेरे अपने आई को नहीं मारा सर, नहीं मारा आई को सर। उन 3 लड़कियों के बारे में तुम जो भी जानती हो हमें बता दो। देखो इसमें तुम्हारी भलाई है। देखो ऐसे चुप बैठने से कुछ भी नहीं होगा, बेकार में ही फंस जाओगी तुम। अगर तुम हमें सब बातें बता दोगी ना तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ बताओ क्या जानती हो तुम उन 3 लड़कियों के बारे में? देखो कुछ तो बोलो, बोलो। शिंदे नहीं बोलेंगे, लगता है उन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही है। काम करो, जरा पता करो ये अनीता कौन सी फिल्म में कहां स्ट्रगल कर रही थी, हो सकता है उनसे हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके सर। कट इट, नाइस शॉट। भाई सुनना, वो श्रद्धा मैडम नहीं आपको। एक्सक्यूज मी, फोन। इसे जानते हो?
हाँ साहब, अनीता नाम है इसका, बहुत अच्छा एक्टर है। मुंबई आने से पहले कहाँ रहती थी, कुछ बताया इसने? हाँ, ये नागपुर रहती थी साहब, वहाँ पे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता है इसने। नागपुर? तुम चारों नागपुर से मुंबई आई हो है ना? तुमने सोच लिया कि तुम कुछ नहीं बोलोगी? ठीक है, हम नागपुर जाके तुम चारों के बारे में पता करते हैं। सुनीता के स्टेपफादर मनोहर शिंदे के मर्डर केस की डिटेल्स क्या है? इस केस में गवाहों के हिसाब से सुनीता ने ही अपने बाप का मर्डर किया है। भले ये मर्डर उसकी मां ने कबूल किया है, लेकिन हमें पूरा शक है कि सुनीता की मां सुनीता को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले रही। मर्डर हुआ कब था? 3 महीने पहले सर। साली, हा? मेरे को एड़ा समझती है? बोल कितना पैसा बोल। अरे मेरे को पैसा दे दे, दारू पीने का है मुझे। दारू कैसे मांगूं रेला, मेरे पास पैसे नहीं है दारू के लिए। अगर इतना शौक है ना तो खुद कमा और पी लो। क्या बोली, कमा के पी ले? खुद कमा बोल खुद कमा बोलती मुझे। एक बात याद रख लो, अगर मेरा सर घूम गया ना तो दोनों के सर फोड़ दूंगा। उसका उल्टा हुआ। एक रात मनोहर दारू पीकर घर पे सो रहा था और किसी ने उसका सर फोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हमें पूरा शक है कि ये मर्डर सुनीता ने ही किया है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन के बाद से सुनीता घर से गायब है, लेकिन सुनीता की माँ ने ये मर्डर कबूल कर लिया। आपको क्यों ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने मर्डर नहीं किया होगा? पड़ोसियों का कहना है कि जिस वक्त मनोहर का मर्डर हुआ उस वक्त सुनीता की माँ घर पर थी ही नहीं। सावड़े पटेल मैडम, आसपास पूछताछ की। हाँ, मैं इसे जानती हूँ, ये तो रघुनाथ मोरे की बेटी है। रिनोवेशन का जो बजट दिया था वो हिसाब से सारा सामान आ गया ना? हाँ बाबा, इसमें ये सारा डिटेल्स है आपके पास। यस। अनीता और चारू आपकी बेटी है? है नहीं, थी। जिस दिन ये घर छोड़कर चली गई है उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन ये तो हमारा घरेलू मामला है, आप लोगों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और हमें नहीं मालूम है कि वो कहाँ और कैसे हैं, और वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नहीं बोलते ना, चुप रहो। वैसे ये घरेलू मामला नहीं है आपका, खून का मामला है, इसलिए जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। जवाब क्या दे जब हमें कुछ मालूम ही नहीं? सुनीता भी इसी मोहल्ले में रहती थी, वो अनीता, चारू और भव्या की दोस्त है। ये अनीता और चारू के बारे में उसकी माँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानती है, लेकिन रघुनाथ के होते हुए बोल नहीं पाएगी। उससे मिलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सर, भाऊ वंदना जी, हमें पता है कि आप अनीता और चारू के बारे में जानती हैं, लेकिन अपने पति के डर से कुछ बोल नहीं पाई। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। अब आप भी कुछ नहीं कहेंगी तो फिर कंफर्म उन पे मर्डर का चार्ज लगेगा, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं जो उनके बारे में हमें बता सके। नहीं सर, मेरी बच्चियां खून नहीं कर सकती, वो बेचारी तो खुद दर दर भटक रही है। जरा शुरू से बताइए क्या हुआ था। एक दिन मुंबई जाके मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी, पैसा, नाम, शौहरत सब होगा मेरे पास, पूरी दुनिया घूमूंगी मैं। तो ठीक है, मगर ना फिल्मों में हीरो को किस भी करना पड़ता है। वो कैसे करेगी? तू तो सिखाएगी ना मुझे, तुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। जब उसने ये बात बताई तो मैं डर तो गई थी, फिर सोचा कि बचपना है ऐसे थोड़ी जाएगी, लेकिन जब उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता ना
तब उसने पक्का ठान लिया था मुंबई जाने का। आई बाबा, अनिता, अगवा, कितनी सुंदर लग रही है। भाव नौकरिया। अरे वाह, आओ। अरे वाह ताई। कांग्रेस ताई। बाबा, बाबा देखो ना। आखिर तूने अपने मन की बात पूरी करी ली ना, जीत ही लिया ना, अभी फटाफट एक अच्छा सा लड़का ढूंढ। क्या हो गया है आपको? यही तो टाइम है मेरे सपनों को पूरा करने का। एटलीस्ट एक बार मैं मुंबई जाकर ट्राई करना चाहती हूँ। बेटा, तुम अपने पापा को जानती हो ना, तो तुम्हें कभी मुंबई नहीं जाने देंगे। आई प्यार से बात कर देखूंगी, अगर मानते तो ठीक है, नहीं तो भाग जाऊंगी और फिर देखना कभी वापस नहीं आऊंगी। इससे पहले कि अनिता अपने बाबा से इजाजत मांगती, बात बिगड़ गई थी। ये देख, क्या सेक्सी पिक्चर सा यार। दिन ब दिन ना इसके कपड़े बहुत छोटे होते जा रहे हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब बिकनी पे फोटो डालेगी। जब से मिस नागपुर बनी है ना, तब से तो बहुत माहौल कर रही है यार। क्या कमाल फिगर है रे इसकी। क्या बकवास करो तुम लोग। मोबाइल दे मेरा। शर्म नहीं आती तुमको किसी की बहू बेटी के बारे में ऐसी गंदी बातें करते हुए? तूने क्या दुनिया के सबके बहू बेटी की इज्जत का ठेका लेके रखा है? मोबाइल दे चुपचाप। नहीं दूंगा। ए, मोबाइल की थोड़ा तूने? बेटी लगती हो मेरी। नंगी होने का बहुत शौक है तुम्हें, अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है तुम्हें, माँ बाप की नाक कटवाना चाहती तो? अरे ऐसी औलाद को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अभी दिखाता हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ। इसी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया, इसी ने दिमाग खराब किया ना। सब कुछ जला दूंगा अगर तू नहीं सुधरी तो, तुझे भी जला दूंगा मैं। एक दिन अचानक मेरी दोनों बेटियां और भव्या एकदम से गायब हो गए। दूसरे ही दिन एक आदमी का फोन आया था, उसने कहा कि उसने हम तीनों को किडनैप किया है। मैडम। हाँ? मुझे बाथरूम जाना है, जा सकती हूँ? चलो आओ, यहाँ पे बाथरूम। चलो ये लड़की बाथरूम गई है, बहुत देर हो चुकी, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। तुम ही था मामी भक्तो। उसने फिरौती मांगी थी, पैसे दिए आपने? हेलो सर, भव्या ने सुसाइड कर ली है। क्या? भव्या ने पुलिस स्टेशन में खुदकुशी कर ली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.